गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट एम एस सी जोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक है इलेक्टिव पेपर बी इंसेक्ट बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी पेपर फोर्थ बिहेवियर एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और मैं कल्पना मंडावी असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पी कॉलेज जगदलपुर से इन पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है मैथड ऑफ इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल नेचुरल कंट्रोल आर्टिफिशियल कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट क्लास इंसेक्टा फाइलम आर्थोपोडा की सबसे बड़ी क्लास है इंसेक्ट हेग्जापोडा में आते हैं इंसेक्ट को इंसेक्ट आर ऑफ टू टाइप्स इंसेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट और हार्मफुल इंसेक्ट बेनिफिशियल इंसेक्ट आर दी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट बेनिफिशियल इंसेक्ट वह होते हैं जो आर्थिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं जैसे हनी बी है हनी बी है लाख इंसेक्ट है सिल्क वॉम है इन सभी से हमें कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं हार्मफुल इंसेक्ट वह होते हैं जो कि कृषि को कृषि में लगने वाली फसलों को प्लांट्स को और एनिमल्स को डैमेज कॉज करते हैं सो so, हमें यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है कि हर इंसेक्ट पेस्ट नहीं होता है कुछ इंसेक्ट बेनिफिशियल होते हैं कुछ इंसेक्ट हमारे लिए हार्मफुल होते हैं तो जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं उन्हीं को हम पेस्ट भी कहते हैं पेस्ट पेस्ट इंसेक्ट विच कॉज डैमेज टू द प्लांट एंड एनिमल कॉल्ड पेस्ट उन्हें हम पेस्ट कहते हैं ऐसे इंसेक्ट जो कि प्लांट्स को या एनिमल को हार्म पहुंचाते हैं नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें हम पेस्ट कहते हैं और पेस्ट को हिंदी में पीड़क कहा जाता है द प्रिवेंशन ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट इस कॉल्ड एज कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट और इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें कि की कीटों का नियंत्रण किया जाता है मैथड फॉर इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल दो मेथड होते हैं इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल के फर्स्ट वन है नेचुरल मेथड और सेकंड है आर्टिफिशियल मेथड नेचुरल मेथड जिसमें कि ह्यूमन के द्वारा किसी प्रकार की कोई एक्टिविटीज नहीं की जाती हैं प्रकृति स्वयं ही कीटों का नियंत्रण करती है इसमें कुछ फैक्टर्स हैं एजेंट्स हैं जैसे फर्स्ट वन है क्लाइमेट बैरियर पैरासाइट्स प्रीडेटर और रेजिस्टेंस सेकेंड है आर्टिफिशियल कंट्रोल आर्टिफिशियल कंट्रोल में ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ होती हैं यानी मानव के द्वारा कीटों का नियंत्रण किया जाता है इसमें फर्स्ट वन है केमिकल कंट्रोल देन मैकेनिकल कंट्रोल बायोलॉजिकल कंट्रोल लेजिस्लेटिव कंट्रोल और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट नेचुरल पेस्ट कंट्रोल नेचुरल पेस्ट कंट्रोल में फर्स्ट जो फैक्टर है वो क्लाइमेट के बारे में हम देखेंगे क्लाइमेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फोर्स इन कीपिंग इंसेक्ट पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल इट इंक्लूड टेम्परेचर रेनफॉल सनशाइन एटमोसफ्रिक प्रेशर एंड एयर करें क्लाइमेट बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कीटों की पॉपुलेशन को नियंत्रित करके रखता है तापमान कभी बढ़ जाना या घट जाना पानी का अधिक गिरना या कम गिरना ये ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिससे कि पर्टिकुलर इंसेक्ट जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं क्योंकि हर इंसेक्ट की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं कि उनका एग लेइंग कब करेंगे मैटिंग की प्रोसेस कब होगी एग लेइंग कब करेंगे एग कब हैच होंगे तो इन सभी के लिए ये क्लाइमेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस प्रकार से ये क्लाइमेटिक फैक्टर उनकी लाइफ साइकिल को बीच में ब्रेक कर देते हैं बैरियर फिजिकल बैरियर बैरियर का अर्थ होता है रुकावट रुकावट फिजिकल फैक्टर प्ले important रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबंडेंस ऑफ the इंसेक्ट बैरियर आर दी माउंटेन सी लेक्स एंड रिवर डेजर्ट फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल एंड फॉरेस्ट कीट को एक जोग्राफिकल एरिया में रोक के रखने के लिए ये बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है बैरियर जैसे रोक के रखेंगे तो माउंटेन है पहाड़ों का पाया जाना समुद्र का लेक्स का ये सभी प्राकृतिक नेचुरल बैरियर हैं या फिज़िकल बैरियर हैं जो कि कीटों की पॉपुलेशन को एक जोग्राफिकल एरिया में रोक कर रखते हैं एक भौगोलिक क्षेत्र में रोक कर रखते हैं नेचुरल एनिमीज़ द इम्पॉर्टेंट नेचुरल एनिमीज़ आर दी इंसेक्ट पैरासाइट एंड प्रीडेटर बर्ड्स मैमल्स एंड रेप्टाइल कीटों के बहुत सारे प्राकृतिक शत्रु होते हैं जिसमें कि कुछ पैरासाइट्स हैं प्रीडेटर्स हैं पैरासाइट्स हम उन्हें कहते हैं जो कि जंतु के शरीर से दूसरे जंतु के शरीर से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं पैरासाइट दो टाइप के होते हैं एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट एक्टो पैरासाइट जो बाह्य परजीवी जैसे बोलते हैं शरीर के ऊपर में रहेंगे और पोषण प्राप्त करेंगे फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको मनुष्य के बारे में बात करूं तो मनुष्य के सिर में ह्यूमन के हेड में हेड लाउस का पाया जाना जू का पाया जाना एक, एंडो पैरासाइट जो कि बॉडी के अंदर रहेंगे और अंदर से पोषण प्राप्त करेंगे वो एंडो पैरासाइट्स होंगे तो दो प्रकार के पैरासाइट्स होते हैं प्रीडेटर जो कि दूसरे प्री हम उन्हें कहते हैं जो कि जंतु का अपने भोजन जो दूसरे जंतु को अपने भोजन के रूप में उपयोग करें जिससे कि आप फूड चेन से समझ सकते हैं एक इंसेक्ट को ग्रास दूसरे इंसेक्ट ने खा लिया ग्रास ऑपर को दूसरे जंतु ने खा लिया फिर ग्रास ऑपर को दूसरे जंतु ने खा लिया इस प्रकार से तो इन प्रीडेटर्स में बर्ड्स मैमल्स रेप्टाइल्स को रखा जाता है इंसेक्ट प्रीडेटर्स के और भी यहाँ पे नाम दिए गए हैं मैंटिस है कंपोनेंट ऑफ इंसेक्ट वेस्ट मैनेजमेंट इंसेक्ट वेस्ट मैनेजमेंट आर्टिफिशियल इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट में आप पढ़ेंगे यहाँ पर मैकेनिकल कंट्रोल कल्चरल कंट्रोल बायोलॉजिकल कंट्रोल केमिकल कंट्रोल और लीगल कंट्रोल मैकेनिकल मैथड मैकेनिकल मैथड वह विधि है जिसमें हम किसी भी प्रकार के रसायन और अदर बायोलॉजिकल फैक्टर्स का नहीं यूज़ करते हैं इसे मनुष्य के द्वारा किया जाता है जैसे कि फर्स्ट वन है हैंड कलेक्शन ऑफ इंसेक्ट हैंड नेट का उपयोग करना मैकेनिकल बैरियर्स का उपयोग करना मैकेनिकल ट्रैप्स का उपयोग करना तो इस प्रकार से कीटों का नियंत्रण किया जाता है जैसे हैंड कलेक्शन जैसे किसान अगर अपने खेतों में जाते हैं उन्हें कहीं पर कीट दिखते हैं तो उन कीटों को हटाना अगर उन किसी पत्ते पर उनके अंडे दिख रहे हैं तो उसको पूरा पत्ते सहित या पेड़ के सहित में उसको हटा देना तो इस प्रकार से ये कीटों का नियंत्रण किया जाता है हैंड नेट का उपयोग किया जाता है ये सभी जो मेथड हैं ये मैकेनिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट में आते हैं लाइट ट्रैप्स का उपयोग करना भी मैकेनिकल कंट्रोल में आता है कल्चरल कंट्रोल कल्चरल कंट्रोल फसल लगाने से पहले के जो प्रबंध होते हैं उनके द्वारा कीटों का रोकना कीटों के रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं कल्चरल कंट्रोल जैसे कि हम धान लगाते हैं धान लगाने से पहले कि जो खेत खेत को तैयार करने की जो प्रोसेस होती है कि हम क्या क्या तैयारी करें और उस खेत में इंसेक्ट का प्रकोप ना पड़े उसे ही हम बोलेंगे कल्चरल कंट्रोल वेरिएशन इन द टाइम ऑफ प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग, क्रॉप रोटेशन द यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटी क्रॉप रोटेशन जैसे यदि इस साल धान लगाया है तो अगले साल गेहूं उसके बाद में दूसरी फसल लगाई जाए और उसके बाद में जैसे धान लगाए उसके बाद में दलहन की फसल लगा लें दलहन में जैसे दाल वाली फसलों में आ जाता है अरहर आ जाता है उससे सॉइल में नाइट्रोजन का कंटेंट भी बढ़ जाता है और जो कीट धान की फसल में लगा है हो सकता है कि वह उसका जो जनरेशन है वो या उसकी जो लाइफ साइकिल है वो आने वाली धान की फसल के लिए समाप्त हो जाए तो इस प्रकार से एक खेत में क्रॉप रोटेशन लगातार करते रहना चाहिए यूज ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी, रेजिस्टेंस वैरायटी का प्रयोग करना ऐसी फसलों की किस्मों का चयन करना जो कि डिसीज रेजिस्टेंस हो उनका उपयोग करना बायोलॉजिकल कंट्रोल बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है ये बायो बायो का मतलब होता है जैविक एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को नियंत्रण करने की विधि को ही बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट भी कहा जाता है द यूज़ ऑफ नेचुरल एनिमीज़ फॉर द कंट्रोल ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट इज़ नोन एज बायोलॉजिकल कंट्रोल इंसेक्ट के जो हार्मफुल इंसेक्ट के जो हानिकारक कीट हैं उनके प्राकृतिक जो शत्रु हैं उनका उपयोग करके उन्हें नष्ट करने की विधि को ही बायोलॉजिकल कंट्रोल कहा जाता है टर्म बायोलॉजिकल कंट्रोल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय स्मिथ इन नाइनटीन नाइनटी following are the natural enemies which are used in biological control method predatory and parasitic insect predatory vertebrates birds reptile parasitic nematodes fungi or bacteria basic steps of biological control exact determination of controlling insect species to be controlled किस इंसेक्ट स्पीसीज का नियंत्रण करना है इसकी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए केयरफुल अबाउट द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेस्ट स्पीसीज भौगोलिक किस जगह पे कौन सा पेस्ट है इसकी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए एजेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल कौन कौन से एजेंट हैं जिनके द्वारा कि की हम कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं जैसे अभी बताया था हमने पैरासिटिक इंसेक्ट होते हैं इसमें भी लिस्ट दिया गया है वर्टिब्रेट प्रीडेटर बहुत सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट को नष्ट करते हैं जैसे कि इसमें दिया गया एग्जाम्पल फिशेज फ्रॉक टोट्स स्नैक बर्ड्स मैमल्स भी आते हैं इसमें जैसे मेमल्स में बैट है रेड है ये भी कीटों का नियंत्रण करते हैं जैसे कि धान की फसल लगी हुई है खेत में उसमें पानी किसी ऐसे क्षेत्र में लगाया गया है जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ पर फिशेज़ भी पाई जाएंगी मेडक भी पाए जाएंगे तो जब धान की फसलों में अलग अलग प्रकार के कीट लगते हैं तो ये उनका एक प्रकार से नियंत्रण भी करती हैं क्योंकि ये एक फूड चेन एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होता है इस प्रकार से ये इंसेक्ट का नियंत्रण भी करती हैं प्री टीटरी एंड पैरासिटिक इंसेक्ट यहाँ पे प्रीडेटर्स और पैरासाइट का नाम दिया गया और यहाँ पे होस्ट इंसेक्ट होस्ट इंसेक्ट यानी जिन कीटों को पैरासाइट या फिर प्रीडेटर नष्ट करेंगे जैसे फर्स्ट वन है रोडो रोडोलिया ये कॉटन कुशन स्केलाई को नष्ट करेगा नेचुरल एनिमीज़ ऑफ पेस्ट जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि बहुत सारे पैरासाइट्स जैसे कि होते हैं बैक्टीरिया फंजाई वायरस प्रोटोजोआ निमेटोड्स ये भी कीटों को नष्ट करते हैं केमिकल कंट्रोल इंसेक्ट कंट्रोल के लिए केमिकल कंट्रोल भी किया जाता है रसायनों द्वारा कीटों का नियंत्रण इसमें पेस्टिसाइड और किसके लिए उन्हें यूज़ किया जाता है उसकी एक लिस्ट दी गई है इंसेक्टिसाइड का हम यूज़ करते हैं इंसेक्ट के लिए निमेटिसाइट्स का निमेटोड्स के लिए एकेरिसाइट्स का माइट्स के लिए रोडेंटिसाइड जो है वो रोडेंट यानी चूहों के नियंत्रण के लिए किया जाता है मोलस्टिसाइट्स स्नेल और स्लस के लिए फंजीसाइट्स फंगल डिसीजेज के लिए किया जाता है वीडीसाइट्स वीड्स के लिए खरपतवार जो हमारे यदि हमने किसी खेत में गेहूं या धान लगाए उसके अलावा जो अन्य घासें लग जाती हैं उन्हें हम खरपतवार बोलते हैं तो उनके नियंत्रण के लिए विडिसाइड्स का उपयोग किया जाता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट समन्वित कीट नियंत्रण समन्वित कीट प्रबंधन समन्वित समन्वित का शाब्दिक अर्थ होता है कि अलग अलग तकनीकों को अपनाकर कीटों का हानिकारक पीड़क कीटों का नियंत्रण करना इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज एन इकोसिस्टम बेस्ड स्ट्रैटी दैट फोकसेज ऑन लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑफ पेस्ट और दे आर डैमेज थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक सच एज बायोलॉजिकल कंट्रोल हैबिटाट मैनिपुलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिस एंड यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी आई पी एम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वह तकनीक है जिसमें हम अपने पर्या, पर्यावरण को इकोसिस्टम का पूरा ध्यान रखते हुए एक लंबे समय के लिए पेस्ट का नियंत्रण करते हैं इसमें बहुत सारे जो सारी जो हमने तकनीकें बताई शुरू में मैकेनिकल कंट्रोल केमिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट कल्चरल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट इन सभी तकनीकों को मिलाकर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट तकनीक है यह जो तकनीक है इसमें किसी भी फसल को लगाने से पूर्व में सबसे पहले उन उस छेद उस फसल में लगने वाले कीटों का हम किस प्रकार से प्रबंधन करेंगे इसकी एक प्री प्लानिंग बनाई जाती है इट इज़ एन अप्रोच टू कंट्रोल द पेस्ट इन एन इंटीग्रेटेड वे समन्वित रूप से कीटों का नियंत्रण करना केवल एक ही तकनीक से नहीं जो अलग अलग जो मेथड हैं उनके सभी तकनीकों को अपनाकर प्री प्लांट तरीके से कीटों का नियंत्रण करना ही इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है अंडर दिस मेथड पेस्टिसाइड आर ओनली यूज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश गाइडलाइन एंड ट्रीटमेंट इज डन विद द गोल ऑफ रिमूविंग ओनली द टारगेट ऑर्गेनिज्म इट इज़ मैथड विच इज़ यूज टू सॉल्व पेस्ट प्रॉब्लम विदाउट और लो एट लो रिस्क टू पीपल एंड द एनवायरमेंट भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन तैयार की जाती है कि कितनी मात्रा में पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना चाहिए जो कि ह्यूमन के साथ साथ में एनवायरमेंट को इफेक्ट ना करे तो उन सभी गाइडलाइन का प्रॉपर पालन करना इट इज़ एन इको फ्रेंडली मैथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल आई पी एम को इको फ्रेंडली मैथड भी कहा जाता है पेस्ट कंट्रोल का आई पी एम कैन ऑल्सो भी कंसिडर एज अ पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम दैट कंबाइन सेवरल मैथड ऑफ फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम द पेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट। आई पी एम इनकॉर्पोरेट सेवरल बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रेटजीज फॉर कंट्रोलिंग द पेस्ट प्रॉब्लम आई पी एम प्रोग्राम यूजेस इंफॉर्मेशन ऑन दी लाइफ साइकिल ऑफ पेस्ट एंड देयर इंट्रेक्शन विद द एन्वायरमेंट दिस इन्फॉर्मेशन एंड इज़ देन यूज टू मैनेज दी पेस्ट डैमेज तो आई पी एम जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इसमें इंसेक्ट की लाइफ साइकिल का भी पूरा स्टडी किया जाता है जिसके कि द्वारा इंसेक्ट का मैनेजमेंट लंबे समय तक किया जा सके और यह इंफॉर्मेशन आगे रिसर्च वर्क में भी काम आती है तो इस प्रकार से हमने इतनी टेक्निक्स को स्टडी किया इंसेक्ट कंट्रोल के लिए इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल के लिए कि इंसेक्ट जो है वो दो प्रकार के होते हैं बेनिफिशियल और हार्मफुल और हार्मफुल इंसेक्ट को पेस्ट कहा जाता है पेस्ट के नियंत्रण के दो तरीके होते हैं नेचुरल कंट्रोल और आर्टिफिशियल कंट्रोल नेचुरल कंट्रोल नेचर के द्वारा किया जाता है और आर्टिफिशियल जो कंट्रोल है वो ह्यूमन के द्वारा किया जाता है ह्यूमन कंट्रोल आर्टिफिशियल कंट्रोल में हमने देखा मैकेनिकल कंट्रोल मैकेनिकल कंट्रोल में हम मशीन्स का यूज़ करते हैं इसके अलावा उसमें लाइट ट्रैप्स का भी यूज़ किया जाता है हैंडनेट का यूज़ किया जाता है और हाथों से कीटों का नियंत्रण करना है सेकेंड वन था कल्चरल कंट्रोल कल्चरल कंट्रोल फसल लगाने से पहले सॉयल का ट्रीटमेंट करना सीड का ट्रीटमेंट करना क्रॉप रोटेशन करना रेजिस्टेंस वैरायटी का यूज़ करके हम किस प्रकार से कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं उसके बाद था बायोलॉजिकल कंट्रोल जैविक नियंत्रण एक जीव से दूसरे जीव को नियंत्रण करने की जो प्रक्रिया है थे बायोलॉजिकल कंट्रोल कहा जाता है हार्मफुल इंसेक्ट को पैरासिटिक या प्रीडेटर इंसेक्ट के द्वारा नष्ट करने की प्रक्रिया बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है इसके बाद आता है केमिकल कंट्रोल रासायनिक कंट्रोल अलग अलग रसायनों की अलग अलग मात्रा रहती है उनके द्वारा और इसकी एक पूरी गाइडलाइन बनी हुई है इस इंसेक्टिसाइड को इतनी मात्रा में यूज़ करना चाहिए तो इस प्रकार से हम इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं उसके बाद आता है एक और लीगल कंट्रोल भारत सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन बनाई गई है जिसके जिसके अंतर्गत यदि हम किसी अदर कंट्री से किसी फॉरेन कंट्री से बीज लेकर आते हैं तो वह किस कितने दिन के लिए उसे क्वारेंटाइन में कितने दिन के लिए उसे अलग रखना पड़ेगा और यह भी देखा जाता है कि क्या उस क्षेत्र में किसी प्रकार की कीट या बीमारी तो नहीं थी जिसके कि कारण यदि वह जो उसका जो आ, इंसेक्ट है या उसका जो अंडा है वो सीड में आ गया हो तो उसे किस प्रकार से रोका जाए भारत में आने से पहले इस प्रकार की जो गाइडलाइन रहती है उनका पूरा उपयोग किया जाता है ये लीगल मेथड में आता है इसके बहुत सारे क्वारंटाइन रेगुलेशन हैं और उसके बाद आता है आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट समन्वित कीट प्रबंधन तकनीक है जिसके अंतर्गत आर्टिफिशियल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट की सभी मेथड को यूज़ किया जाता है सो होप आई होप स्टूडेंट कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा थैंक यू